सुबह 7 बजे उठकर पेट की पूजा करने के बाद हमने एक टैक्सी 500 रुपये में हायर की जो हमें उदयपुर की 10 जगह घुमाने वाली थी। काफ़ी अच्छा सौदा था ये। कौन सा बाजार है भैया? बापू बाजार बोलते हैं सर। कौन सी लेक है भैया? ये गुप्त लेक है सर। इसका सारा पानी हिंदुस्तान जिंक के अंदर रहता है। हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा फैक्ट्री उदयपुर के अंदर, ये पानी उसी के अंदर रहता है सारा। ये गंदा हो गया चारों तरफ, ये है ना बस्ती, बस्ती के अंदर पानी मिक्स हो गया गटर का, इसके अंदर इसको इसलिए सेल कर दिया इसको। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक ये लिखा हुआ था, हिंदुस्तान ये पानी इसी के अंदर रहता था। सबसे पहले हम अरावली गार्डन गए, वहाँ पे वाटरफॉल तो बंद था लेकिन वहाँ से व्यू और फूल काफी अच्छे थे। और फिर हमने बोटिंग की जिसका पर पर्सन किराया 220 रुपये था। फर्स्ट टाइम स्पीड बोटिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ये टेलीस्कोप है सामने, ये टेलीस्कोप वो सामने दिख रहा है, ऊपर ऊपर देखो पहाड़ को, वो निमच माता टेंपल है। अच्छा, और ये इस लेक का बांध है पूरा। अब वक्त था वैक्स म्यूजियम देखने का, जहां महान महान लोगों के वैक्स स्टैचू थे। लोकेशन कौन सी है अपनी? हां सर, नेक्स्ट लोकेशन सिल्लू की बाड़ी। सिल्लू की बाड़ी थोड़ा बताओगे?
सैलो की बड़ी तो सर क्या है कि फाउंटेन गार्डन है, राजा संग्राम सिंह की बच्ची थी उसके लिए उन्होंने बनवाया था, राजा ने उसके बच्चे के लिए। सैलो की बड़ी ने फ्रेंड गार्डन, सैलो ने फ्रेंड बाड़ी ने गार्डन, अच्छा सैलो की बाड़ी, हाँ हाँ, उसके लिए बनवाया था फाउंटेन गार्डन। उसका तीन बादल बरसात है, सावन भादो है। और नेक्स्ट लोकेशन हमारी थी सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने और करने को था नहीं, बस 20 रुपये की टिकट में आप नॉर्मल टाइम स्पेंड कर सकते हो। चूज योर फाइटर। और फिर उदयपुर किसान सिटी पैलेस में हम पहुँचे। वहाँ की टिकट 300 रुपये थी, जो कि हमने लेना सही नहीं समझा, बट एक 20 रुपये की टिकट और थी वहाँ, जिससे आप अंदर का व्यू तो नहीं देख सकते बट पैलेस के बाहर का व्यू देख सकते थे। यकीन मानो पैलेस के बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। हमारी रात बनने वाली थी गनगोर घाट में, जहाँ का व्यू आप देख सकते हो। Thank you.